इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द प्राइसिंग ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स तो अभी तक हम फाइनेंशियल फ्यूचर्स की बात कर रहे थे अब हम स्वैप की बात करें तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ जो मेजर फर्क है वो क्या है कि इसमें मल्टीपल क्लैश फ्लोज हो रहे होते हैं तो इसलिए हम इसको स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट आर बेसिकली आर ऑल्सो द डेरेवेटिव इंस्ट्रोमेंट्स डेरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या डेरीवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसमें हम बेसिकली स्वैप्स क्या हो रही होती हैं दे आर ऑल्सो द एग्रीमेंट्स और द कॉन्फ्रैक्ट बिटवीन एनी टू पार्टीज जो कि सीरीज ऑफ कैश फ्लोज को एग्री करती हैं ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और एक और जो खूबी होती है स्वैप्स की वो क्या है कि दे आर दे आर दे हैव अ लॉट ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी इन देअर डिज़ाइन एंड दो ओवरऑल uh, जो द कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के जो लोगों के रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो पार्टिसिपेटिंग बॉडीज़ के या पार्टिसिपेटिस कंसर्न पार्टिसिपेटिंग पार्टीज के उनको अकाउंट फॉर करके आप फ्लेक्सिबल किस्म के एग्रीमेंट्स बनाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हो रहे होते हैं सर्टन टाइम पीरियड के ऊपर उस पर्टिकुलर और हो रहा होता है बेसिकली ये डेरिवेटिव ही डेरिवेटिव एग्रीमेंट है लेकिन यहाँ एक कैश फ्लो की बजाय या मल्टीपल कैश फ्लोज हैं इसलिए हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को स्वैप्स बोलते हैं नाउ इज इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट अ प्राइसिंग ऑफ नाउर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट तो हम जब स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में कीमतों का करते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए तो उसमें क्या क्या चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेक्शन तो सपोज इस एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि सपोज हमारे पास एक येन डॉलर स्वैप है यानी कि आप येन्स और डॉलर्स में स्वैप करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो इन दिस एग्जाम्पल हम वी आर अस्यूमिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ टू ईर्स एंड द नोशनल प्रिंसिपल इज 100 हंड्रेड मिलियन य्स सो ये बात याद रखनी है ठीक है जी तो अब हमने प्राइसिंग को अकाउंट फॉर करना है कि 100 हंड्रेड मिलियन यस की ट्रांजेक्शन होने वाली है और येन के अगेंस्ट आप डॉलर में डील करने जा रहे हैं अभी जो हमने मार्केट से उसी वक्त एक्सचेंज रेट देखा तो हमने देखा कि वन ईयर फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द येन इज डॉलर जीरो पॉइंट जीरो वन और दो साल की फॉरवर्ड प्राइस है डॉलर जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फोर राइट सो देर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द येन तो वो देख सकते हैं आप कि यहाँ जीरो पॉइंट जीरो वन के बाद फिर एक जीरो फोर है जो कि दो साल के टाइम पीरियड को बता रहे कि जा है आप ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लंबी ट्रांजेक्शन करने वाले हैं तो यू विल गेट स्लाइट इंक्रीज इन द प्राइस नाउ फर्स्ट ईयर में अभी हमने कहा कि आपने वन मिलियन डॉलर अगर uh, मिलेगा आपको तो फिर दो साल के बाद वही अभी जो हमने एक्सचेंज रेट को काउंट फॉर किया है इट विल बी वन पॉइंट जीरो फोर मिलियन डॉलर्स नाउ जब हम करेंसी स्वैप की बात कर रहे हैं तो उसमें हम सिंगल स्वैप एक्सचेंज रेट लगाएंगे हम मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स नहीं लगा सकते बिकॉज वी आर साइनिंग अ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वी नीड टू लुक एट द फोमूला विच इज यूज टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एंड वी गो अभी हमने कहा कि जो हमारा स्वैप uh, का जो रेट है इट इज बींग रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैपिटल एफ और इसमें आपको अकाउंट फॉर करना है दिस इज वन मिलियन डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो एट प्लस वन पॉइंट जीरो फोर मिलियन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो एट ये चुके सेकेंड ईयर की वैल्यू वैसे हमने इसको जीरो एट को रेस्ट ऑफ दार्ट टू कर दिया और ये जीरो एट पॉइंट जीरो एट कहाँ से आया दिस इज द रिस्क लेस डॉलर इंटरेस्ट रेट पर ईयर तो हमने कहा कि जो रिस्क लेस रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज एट परसेंट तो हमने उसको अकाउंट फॉर किया पहले साल में आठ आठ वन पॉइंट जीरो एट डाला है तो सेकेंड ईयर के लिए हमने इसको रेस्ट ऑफ दार टू कर दिया इज इक्वल टू ये जो हमने 1 uh, अभी हमने डिफाइन किया था कि ओवरऑल हमारा जो नोशनल वैल्यू है बिजनेस ट्रांजेक्शन का दैट इज यानी कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है दैट इज 100 मिलियन येन्स तो आपने ये 100 मिलियन येन्स को काउंट फॉर किया मल्टीप्लाइड बाय एफ एफ इज द स्वैप रेट विच वी आर इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.08 से प्लस 1. ड बाई वन पॉइंट जीरो एट का स्क्वायर और हम दो साल की वैल्यू ले रहे हैं इसलिए हमने इसके ऊपर एक स्क्वायर लगाया इफ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर दिस कैपिटल एफ विच इज द बी एबल टू फाइंड आउट दिस वैल्यू एंड दिस विल बी द स्वेपरेट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जहां आप ये डॉलर की दो साल की कॉन्ट्रैक्ट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं तो आपका स्वेपरेट ये होना चाहिए दिस इज हाउ वी कैन Find out this rate using the formula which we have just discussed.